जारी है बाढ़ पीड़ितों की मदद। गुरुवार को बाढ़ प्रभावित सिंहवाड़ा, तिलकेश्वर एवं सुधराइन समेत कई इलाकों में हेलीकॉप्टर द्वारा गिराए गए 2,200 फूड पैकेट्स। दरभंगा जिले में कुल 1,90,000 बाढ़ पीड़ित परिवारों को हुआ नगद राशि 6,000 का भुगतान। जिलाधिकारी ने हनुमान नगर में रिलीफ वितरण कार्य का लिया जायजा। सामुदायिक रसोई को लगातार संचालित करने का निर्देश। जारी है सामुदायिक रसोई का संचालन। 1,00,000 से अधिक लोगों को गुरुवार को कराया गया भोजन। बाज नहीं आ रहे हैं लोग, बाढ़ के पानी में अटखेलियां, कहीं पड़ न जाए जान पर भारी। और पर्यावरण का संतुलित रहना बेहद जरूरी। इनर व्हील क्लब दरभंगा ने किया वृक्षारोपण। प्रिया क्रिएशंस मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility, all the vehicles are enabled with GPS, rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance, regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development, no readmission charges for old students. 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 7763819774। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा, शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंस वियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आए और फर्क महसूस करें। गुरुवार को कुल 2,200 फूड पैकेट्स एयर ड्रॉप किए गए। दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा, तिलकेश्वर, सुधराइन क्षेत्रों में आज कुल 2,200 फूड पैकेट्स गिराए गए हेलीकॉप्टर के द्वारा। जिला शिक्षा पदाधिकारी सर नोडल पदाधिकारी सूखा राहत कोषांग महेश प्रसाद सिंह द्वारा जानकारी दी गई कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर से 4 खेप में कुल 2,200 फूड पैकेट्स विभिन्न क्षेत्रों में गिराए गए। इस तरह 3 दिनों के अभियान में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से 17 खेप में कुल 9,390 फूड पैकेट्स बाढ़ के पानी से चारों तरफ से घिरे गांव और टोलों में गिराए गए। बाढ़ से घिरे गांव और टोलों के जमीनी संपर्क ध्वस्त रहने के चलते हवाई मार्ग से यहां लोगों को सूखा राशन उपलब्ध कराया गया है। इस कार्रवाई से बाढ़ से परेशान लोग थोड़ी राहत महसूस कर रहे होंगे। 1,90,000 बाढ़ पीड़ित परिवारों को नगद राशि का भुगतान हुआ। दरभंगा जिले के बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में 6,000 रुपए नगद राशि भेजने का कार्य प्रगति में है। अब तक 1,90,000 परिवारों के बैंक खाते में राशि भेज दी गई है। डीएम ने बताया है कि कुल 2,17,000 बाढ़ प्रभावित परिवारों का डाटा PFMS किया गया है, जिसमें से 17,000 डाटा में त्रुटि पाए जाने पर रेक्टिफिकेशन के लिए वापस कर दिया गया है। डीएम ने CO को त्रुटि का निराकरण कर बचे हुए डाटा को प्राथमिकता पर पुनः PFMS करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सभी CO को आज रात्रि में ही 45,491 डाटा संपूर्ति पोर्टल पर अपलोड करके इसे लॉक करने हेतु सख्त निर्देश दिया गया है। यह निर्देश देर रात्रि समीक्षा बैठक में दिया गया गुरुवार को। इस बैठक में सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी सम्मिलित हुए, जबकि SDO एवं CO वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। जिलाधिकारी ने हनुमान नगर में रिलीफ वितरण कार्य का लिया जायजा। सामुदायिक रसोई को लगातार संचालित करने का निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा डॉ. त्यागराजन SM ने कहा कि बाढ़ प्रभावित गांव और टोलों में सामुदायिक रसोई का संचालन जारी रहेगा। इस विधि से एक साथ बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ित लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। यह प्रयोग अत्यंत ही सफल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 400 से अधिक स्थलों पर सामुदायिक रसोई का संचालन किया जा रहा है। सामुदायिक रसोई के संचालन में कोई अनियमितता नहीं हो, इसलिए इसका स्थानीय क्षेत्रीय पदाधिकारी सहित जिला के वरीय पदाधिकारियों द्वारा नियमित इसकी जांच कराई जा रही है।
जिलाधिकारी द्वारा स्वयं भी प्रतिदिन बाढ़ प्रभावित गांव और टोलों में भ्रमण कर सामुदायिक रसोई संचालन कार्य का निरीक्षण किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने गुरुवार को हनुमान नगर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित कई इलाकों का भ्रमण किया। उन्होंने हनुमान नगर प्रखंड के थलवारा पंचायत में अवस्थित सिरनिया बांध पर ठहरे हुए बाढ़ पीड़ितों का हाल चाल लिया। सामुदायिक रसोई के माध्यम से 1,00,000 से अधिक लोगों को खिलाया गया खाना। डीपीओ एमडीएम द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि 16 प्रखंडों में कुल 490 स्थलों पर सामुदायिक रसोई चलाया गया और इसमें 1,38,000 से अधिक बाढ़ पीड़ितों को खाना खिलाया गया। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी अपने आवंटित प्रखंड क्षेत्रों में भ्रमण करके बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच रिलीफ वितरण कार्य का निरीक्षण एवं अनुश्रवण कर रहे हैं। इस बाबत सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं वरीय पदाधिकारियों द्वारा उनके प्रखंड क्षेत्रों में कम्युनिटी किचन के संचालन किए जाने की सूचना भेजी गई है। इसमें हनुमान नगर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बिहारी मुकुंद प्राथमिक विद्यालय, परोल प्राथमिक विद्यालय, डगरौल प्राथमिक विद्यालय, नवटोल, हबीबपुर बुनियादी विद्यालय, रुपौली सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय शामिल हैं। बाढ़ की तबाही ने इस बार पूरे उत्तर बिहार के साथ मिथिलांचल के ज़िलों और दरभंगा को भी खासी चपेट में ले रखा है। जहां बाढ़ आई हुई है वहां के लोग त्राहिमाम की स्थिति में है और जहां के इलाके अभी बाढ़ से बचे हुए हैं वहां के लोग बड़ी आशंका से ग्रसित हैं, बाढ़ के आने की आशंका से ग्रसित हैं। एक ओर जहां दोनों तरफ ये हालात हैं वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए बाढ़ अटखेलियों का एक माहौल सा लेकर आया है। ऐसे लोग अपने जान की परवाह नहीं कर अपने साथियों के साथ मिलकर बाढ़ के पानी में पुल के ऊपर से छलांग लगाते हैं, जो सर्वथा गलत है, रिस्की है और किसी भी एंगल से सही नहीं कहा जा सकता। इतना बड़ा जोखिम खेल खेल में, मजाक मजाक में वे आखिर क्यों ले रहे हैं? यह उनके घर के लोगों को, उनके दोस्तों को और वहां उपस्थित लोगों को समझना और समझाना होगा। जबकि दूसरी तरफ जो छोटे बच्चे हैं वह बाढ़ की हालत को देखने के ख्याल से, बाढ़ के उफान को देखने की ललक में बाढ़ के पानी के पास जा रहे हैं और दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। दोनों ही परिस्थितियों में न्यूज़ टुडे आपसे अपील करता है कि न तो बाढ़ के पानी के साथ खिलवाड़ करें और न ही अपने घर के लोगों को, इष्ट मित्रों को या घर के बच्चों को, पड़ोस और रिश्तेदार के बच्चों को पानी के पास, बाढ़ के पानी के पास जाने दें, क्योंकि इनसे दुर्घटना हो सकती है और सच कहा जाए तो मुसीबत बताकर नहीं आती। सबों को चाहिए कि बाढ़ पीड़ितों की अपने अपने स्तर पर जितनी मदद हो सके वह मदद करें उनकी। सरकार और प्रशासन अपने स्तर पर मदद के लिए पूरी कोशिश कर ही रही है। कई संगठन भी लगातार आगे आ रहे हैं। आम लोगों ने अपने स्तर पर भी बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी शुरू कर रखी है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ऐसे लोग जो बाढ़ के पानी से अटखेलियां कर रहे हैं वो कितना बड़ा जोखिम आखिर क्यों ले रहे हैं, खेल और मजाक के लिहाज से।
इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा ने पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत 45 पौधे लगाए कर्पूरी चौक के निकट। यह संस्था रेगुलर बेसिस पर प्लांट्स लगाती रहती है। इस जुलाई महीने में ही दूसरी बार यह पौधारोपण का कार्य हुआ है। इससे पूर्व 1 जुलाई को श्यामा मंदिर दरभंगा में 25 पौधे लगाए गए थे। इनर व्हील का इस साल 500 पौधे लगाने का लक्ष्य है। प्लांट लगाने का सारा कॉस्ट घेराबंदी सहित क्लब के मेंबर्स उठाते हैं सारा खर्चा। मौके पर प्रेसिडेंट शशि टिबड़ेवाल, सेक्रेटरी सुनीता देवी, डॉक्टर नूतन बाला सिंह, डॉक्टर सावित्री ओझा, डॉक्टर मीना कुमारी, डॉक्टर उषा झा, डॉक्टर सीमा प्रसाद, श्रीमती स्नेहलता जैन, श्रीमती द्रौपदी सिंह, डॉक्टर नीता झा, डॉक्टर रूपकला प्रसाद, श्रीमती आशा गुप्ता, प्रीति अग्रवाल, हेमप्रभा मिश्र, कुंदन कुमारी, संजना सिन्हा समेत कई मेंबर उपस्थित थे। सुधा दारू का पास प्रेसिडेंट इनरविन, हम लोगों का यह रनिंग प्रोजेक्ट चलता ही रहता है पेड़ लगाने का ट्रिप प्लांटेशन, और हम लोगों का टारगेट है इस साल 500 प्लांट्स लगाने का। अभी तक हम लोग स्कूल में और श्यामा माई मंदिर में और यहाँ जुलाई से हम लोगों का सेशन शुरू हुआ है, तब से हम लोगों ने इतना तो अभी तक लगा चुका है इतनी प्लेसेस पे, और भी हम लोगों का ये चलता ही रहेगा। वृक्षारोपण इनर व्हील क्लब दरभंगे की तरफ से हो रहा है, और इसमें मैं चूँकि रोटरी क्लब से जुड़ा हुआ हूँ और ये इनर व्हील रोटरी क्लब से जुड़ी हुई संस्था है, रादर उसकी सिस्टर कंसर्न है, इस नाते मैं इसे पूरा सहयोग दे रहा हूँ। और रोटरी क्लब की तरफ से हम लोग प्लांटेशन हर साल करते रहते हैं। आप देख सकते हैं कर्पूरी चौक के आसपास कितने पौधे लगे हुए हैं, रोटरी क्लब दरभंगा का नाम लिखा आप देखिए घूम के, ये हम लोग का बहुत पुराना प्रोजेक्ट है और हर साल हम लोग करते रहते हैं। मैसेज यही देना चाहते हैं हम इनर व्हील क्लब की तरफ से, हमारी प्रेसिडेंट शशि टिबड़ेवाल हैं, इनकी इच्छा हुई कि हम लोग पेड़ लगाएं। दरभंगा में पेड़ की अब बहुत कमी है, इसीलिए यहाँ बारिश वगैरह भी ठीक से नहीं हो पाता है, और शुद्ध वातावरण के लिए ग्रीनरी होना बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण के लिए पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है, पानी की भी बहुत कमी हो रही है, और जगह जगह देख रहे गर्मी में अभी सबका जो बुरा हाल हो रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि इसको रनिंग प्रोजेक्ट में रखें और जहां कहीं भी पेड़ का अभाव है वहां हम लोग पौधे लगाएं। बाढ़ राहत का कार्य भी स्थानीय स्तर पर लोग कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन तो यह कार्य कर ही रही, स्थानीय लोगों ने भी अपने अपने स्तर पर बाढ़ पीड़ितों के आंसू पोंछने की पुरजोर कोशिश की है। मिर्ज़ापुर व्यवसायी संघ ने भी बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत का कार्य किया, उन्हें राहत सामग्री, भोजन के पैकेट, ज़रूरत के सामान मुहैया कराए। आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल न्यूज़ टुडे दरभंगा लगातार आपको बाढ़ के अपडेट से रूबरू करा रहा है। बाढ़ की ताज़ा क्या हालत कहाँ है, हम अपने हर प्रसारण में इस पर अपडेट दे रहे हैं। आज तस्वीरें ओझौल के निकट की है, ओझौल पुल के नीचे से देखिए पानी किस तरह निकल रहा है। डिलाही जैसे गांव में, छोटी डिलाही जैसे गांव में पानी ने किस तरह अपनी पहुंच बना रखी है। हालांकि दरभंगा शहर पर बाढ़ का खतरा तो है, लेकिन अभी पानी रुका हुआ है और घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। दरभंगा शहर फिलहाल बाढ़ से सुरक्षित बताया जा रहा है। दरभंगा शहर वासियों को बाढ़ की आशंका से ग्रसित होने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है, पानी रुका हुआ है, लेकिन एक बात यह भी तय है कि सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। बाढ़ से मुकाबले के लिए खुद को तैयार रखना भी ज़रूरी है। ज्यादा परेशान है माल जाल के लेके, अच्छा बजाय के लेके, हर चीज लेके बहुत परेशानी है। हम लोगों का कुछ नहीं मिलता है, रिफिल हर चीज लिखा के ले गए, अभी तक कुछ नहीं मिला है। इस बार जो बाढ़ की स्थिति है वो बड़ा दयनीय है, हम लोग बड़े कष्ट में ग्रामीण लोग गुजार रहे हैं। यहाँ कोई सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ है। 2004 से जो भी कमे है 87 में आया था, इसके बाद 2004 में आया, इससे तो कमे है, अभी तो कहना मुश्किल है। पानी अभी तक बढ़ ही रहा है, ठीक है, और बढ़ने के कारण काफ़ी जान मान का भी क्षति हो रहा है, जैसे कि माल जाल वहाँ बांधा जाता था वो सभी को लेके यहाँ आ रहे हैं, पूरा जो चारा का भूसा वगैरह होता है वो पूरा डूब गया, उसके बाद जो हम लोग खाना उना बनाते थे वो तो ऑलरेडी डूब ही गया है, वहाँ से यहाँ तक आने में लोगों को काफ़ी पानियों का सामना करना पड़ता है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा जिला इकाई द्वारा बहादुरपुर प्रखंड के कचहरी टोला गांव में बाढ़ विस्थापितों के बीच जाकर भोजन सामग्री मुहैया करवाई गई। इस अवसर पर प्रांत संगठन मंत्री डॉक्टर सुग्रीव कुमार ने कहा कि उत्तर बिहार में आए भीषण बाढ़ त्रासदी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बाढ़ विस्थापितों की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं और उनके बीच जाकर भोजन एवं अन्य सामग्री मुहैया करवा रहे हैं। इस बाढ़ राहत शिविर में जिला संयोजक सूरज मिश्रा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य मणिकांत ठाकुर, सुमित सिंह, चैतन्य झा और सुमन कुमार शामिल थे। भीषण बाढ़ की वजह से पशुओं के लिए चारे की भी हो रही है भारी मुश्किल और ऐसे में पशुपालन विभाग जगह जगह भूसे का वितरण करा रहा है पशुपालकों के बीच। दरभंगा जिले के रैयाम थाना क्षेत्र के नया गांव की एक महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित कर कथित रूप से ससुराल वालों ने उसे उसकी जान लेने की कोशिश की। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। शादी को चौथा महीना चल रहा है, शादी नहीं बना, ये कुछ मांग इसका सोहन हमारे पास तो नहीं